मनोज झा जी ने जो बयान का बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं, कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है। समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं। गोदी मीडिया जो है ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं। आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान के बाद लगातार बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है, और इसी सब चीज़ के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपना खुलकर इस मुद्दे पर पक्ष रखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। आरजेडी के सांसद को बयान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। देखिए, आरजेडी के सांसद के बयान को गलत ढंग से उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो का बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं, ये उनकी राय भी नहीं। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा है, कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद, उनका बयान पर शुरू हो गया 7 दिन के बाद, कब भाषण हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में, कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है, तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने, क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी? भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है, कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं, कई तरह के लोग हैं, और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा कर। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से, वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं ना थे मुख्यमंत्री जी, क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है, इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास, सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में पूरे प्रदेश में का कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काय का नजदीकियां बढ़ेगी, आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। तो आपने साफ सुना, उन्होंने इशारों ही इशारों में राज्यसभा मनोज झा के बयान जो ठाकुर को लेकर आई है उसका समर्थन कर दिया है। भले ही खुलकर शब्दों में उन्होंने कहा कि ठाकुर जो है अंदर का उसे खत्म करना चाहिए, कहीं ना कहीं राज्यसभा जो सांसद है मनोज झा, उनके बयान को समर्थन किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।